मांग रखी थी बड़ी देर से जो वस्ल की शाम। Where do I even start from? अगर मैं अली सेठी की बात करूं तो इतना बड़ा नाम है, ना कि सिर्फ एक कंट्री में, सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि he can be called as an international artist क्योंकि उन्होंने अपना डेब्यू ही किया था एक इंटरनेशनल मूवी से। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट नाम था, मीरा नायर ने इसको डायरेक्ट किया था। एंड वहाँ से जिस इंसान का डेब्यू हो तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर, ही हैज स्टडीड इन हार्वर्ड। काफ़ी पॉलिटिकल रूट्स भी रहे हैं उनकी फैमिली के। सो उन सब बातों की तरफ नहीं जाएंगे, बात करेंगे उनके आर्टिस्टिक साइड की कि ऐसा क्या खास है अली सेठी में जो उनको सबसे अलग बनाता है मेरे हिसाब से। सो अली सेठी के बारे में मैंने कुछ कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी न्यू एज म्यूजिशियन बट ही इज़ समवन हु हैज़ एन ओल्ड सोल। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन की बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में, क्योंकि जो पुराने क्लासिक सॉन्ग्स हैं उनको हमारी नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल भूल जाएगी अगर उनको अडेप्ट नहीं किया गया नए वर्जन्स, नए रेंडिशंस के साथ। एंड अली सेठी ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने ना एक नया जॉनर ही बना दिया है अपना खुद का, जिसको कि हम एक क्लासिकल पॉप कह सकते हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई लिसन टू रंजिश ही सही फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अली सेठी तो मुझे एक्चुअली बड़ा अजीब सा लगा बिकॉज आई हैव हर्ड द मेहदी हसन वर्जन ओनली उसके पहले। एंड व्हेन आई हर्ड अली सेठी वर्जन आई फेल्ट लाइक कि ये क्या बना दिया है इस गाने का। गाना कुछ और था एंड ही इज डूइंग समथिंग एल्स, ही इज डूइंग हिज ओन थिंग्स विद द सॉन्ग। और मुझे ऑनेस्टली उतना अच्छा नहीं लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो। एंड दैट वाज सम 4-5 इयर्स बैक। आज की डेट में जब मैं उनके गाने सुनती हूँ, सेम रंजिश ही सही, सेम गुलों में रंग भरे भी सुना, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दोस सॉन्ग्स, वो क्यों कर रहे हैं ये गाने। मैंने गुलों में रंग भरे की मेकिंग का वीडियो भी देखा, बिहाइंड द सीन्स देखे। हमने कहीं भी राग की शक्ल को बदलने या खुदा ना खास्ता बिगड़ने नहीं दिया। कम से कम कोशिश तो ये की है कि राग जो है वो हर जगह बरकरार रहे और जो धुन भी है उसको भी बड़े प्यार से और लविंगली क्यूरेट किया है। एंड आई अंडरस्टूड कि हाउ मच रिस्पेक्ट ही हैज़ फॉर द ओरिजिनल आर्टिस्ट। उनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं अपना वर्जन बना दूंगा। मेहदी साहब का जो अंदाज है गाने का वो उनका अपना है। उस अंदाज में मैं नहीं समझता कि कोई भी उस अंदाज पे पूरा उतर सकता है। मैं इसको एज अ, जिसे कहना चाहिए, तालिब इल्म की एक हैसियत से एक कोशिश कर रहा हूँ। वो जो ट्वीकिंग भी की गई है वो कितना संभल संभल के की गई है वो बिहाइंड द सीन्स में समझ में आता है। एंड आई डेवलप्ड अ न्यू सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट कि उन्होंने जो किया है, भले गाने को ट्वीक किया हो बट एक समझ के साथ किया है, ब्लाइंडली माइंडलेसली ट्वीक नहीं किया है। एंड दैट इज अ पार्ट आई रिस्पेक्ट द मोस्ट अबाउट हिम। मैं समझता हूँ कि इस तरह का एहतियात जो है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये तो गा के अदा करके ही पता लग जाता है कि जिन्होंने बनाई है वो कितने महान हैं। और इस चीज़ की ज़रूरत भी है। अगर आप पुराने गानों को पुराने ही स्टाइल में करते रहोगे तो यूथ उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और आज के ज़माने में अगर यूथ रंजिश ही सही गा रहा है तो कहीं ना कहीं इस टाइप के आर्टिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो यूथ तक इन गानों को पहुँचा रहे हैं। और एक कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप मुश्किल चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, तो आप नाकाम तो ज़रूर होंगे, कभी भी आप पूरे नहीं उतरेंगे, लेकिन शायद आप कुछ अपने आप को बेहतर कर जाएं। सो इफ द क्लासिकल जेम्स आर हमेबल टुडे तो अली सेठी इज वन ऑफ द रीजंस कि हम उन गानों तक पहुंच पा रहे हैं। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एज एन आर्टिस्ट अगर मैं उनको ऑब्जर्व करूं तो वो काफी ओपन टाइप के आर्टिस्ट हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज आई हैव सीन हिज इंस्टाग्राम लाइव्स विद इंडियन आर्टिस्ट। वरुण ग्रोवर के साथ उन्होंने लाइव किया था, एक जो लाइव किया था उन्होंने रेखा भारद्वाज के साथ, वो तो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब आई वॉज माइंड ब्लोन। ही took so much pain in making रेखा भारद्वाज meet फरीदा खानुम जी। वो लाइव जो है उसको आप देखना, मैं उसका लिंक डाल दूंगी। क्या हुआ कि विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज दोनों अली सेठी के लाइव में आए। एंड फरीदा खानुम इज एक्चुअली अली सेठीज गुरु, वो कुछ टाइम के लिए उनकी गुरु रही हैं। डेफिनेटली अली सेठी के कनेक्ट्स तो फरीदा खानुम के साथ होंगे। बट व्हेन रेखा भारद्वाज रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे उनसे भी बात करनी है, फरीदा खानुम जी से, एंड उस टाइम पे इंस्टाग्राम में सिर्फ 2 लोग ही अलाउड थे लाइव में, सिर्फ 2 लोग ही हो सकते हैं। ओह नो Oh my God. Okay, then here's what we're gonna do. अली सेठी somehow made it happen कि अली सेठी ने उस लाइफ को क्विट किया एंड ही कॉन्टेक्टेड सम रिलेटिव ऑफ फरीदा खानम जी, फिर उन्होंने लाइव ज्वाइन किया, फिर उस लाइव को रेखा भारद्वाज ने ज्वाइन किया. ही somehow arranged all the operations behind it and made रेखा भारद्वाज एंड विशाल भारद्वाज meet फरीदा खानम जी. आदाब, अस्सलाम वालेकुम फरीदा जी. जीते रहो. मैं भी आपको सलाम और आदाब और And I was so impressed कि एक आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटी इतने बड़े लेवल पे पहुंच के इस टाइप की चीजें कर रहा है. मतलब वो कितना हम्बल है, कितना हम्बल से भी ज्यादा बड़ी बात है कि वो कितना फील करते हैं, कितने पैशनेट है अपनी आर्ट के लिए कि वो दूसरे आर्टिस्ट के लिए इतना ज्यादा पेन ले रहे हैं. He loves to collaborate with other artists. He loves to be in the company of other artists. That is the most beautiful thing I noticed about Ali Sethi. और उसका एक और बहुत बड़ा example ये है कि he recently collaborated with Shae Gill, जो कि एक Instagram singer थी इसके पहले, and she is not even a trained, you know, artist. But Shae Gill को उन्होंने बुलाया और पसूरी गाने में उन्होंने उनको चांस दिया और उसके बाद rest is history, सब जानते हैं, it's a record breaking song. और एक बड़ा ही strange सा coincidence है कि Shae Gill है ना, इनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे जो वायरल हुआ था कि जिसकी वजह से ये सबकी नजर में आई और कोक स्टूडियो वगैरह ये सब चीजें हुई. वो वीडियो था आशियाना की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, वो वायरल हुआ था और मोस्ट लाइकली उसकी वजह से ही उनको कोक स्टूडियो का ब्रेक मिला. आई मे बी रॉन्ग इन दिस बट एज फार एज आई नो यही था. और अली सेठी का जो क्लेम टू फेम था जिससे वो दुनिया की नजरों में आए, वो भी यही सॉन्ग था जो उन्होंने द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में एज अ सिंगर डेब्यू किया था इस सॉन्ग के साथ. दैट वॉज द सेम सॉन्ग आशियाना की बात करते हुए. लाइफ केम अ फुल सर्कल फॉर बोथ ऑफ देम कि वो भी उसी गाने से फेम मिला उनको, शाए गिल को, और अली सेठी को भी उसी गाने से फेम मिला और दोनों मिल गए पसूरी में. पसूरी को भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेम मिला. सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट आई फेल्ट एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू. एक और चीज़ देखने को मिलती है अली सेठी के स्टाइल में कि ऐसा कोई जॉनर नहीं बचा जो उन्होंने ट्राई ना किया हो. ही डिड क्लासिकल, ही डिड सेमी क्लासिकल, एक्चुअली जो गज़ल हैं वो सब ट्राई किया उन्होंने रैप में भी अपनी आवाज़ दी है फारिस शफ़ी के साथ. अब फारिस शफ़ी जो हैं वो मीशा शफ़ी के भाई हैं और मीशा शफ़ी के साथ भी उन्होंने द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में काम किया था. तो कहीं ना कहीं एवरी डॉट इज बीइंग कनेक्टेड एंड आई फाइंड दिस क्वालिटी इन अली सेठी एंड दैट इज़ व्हाई आई रेस्पेक्ट हिम सो मच. ही लव्स टू नेटवर्क विद अदर आर्टिस्ट एंड कोलैबोरेट विद अदर आर्टिस्ट. ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप आर्ट की फील्ड में आ रहे हो, कहीं बाहर से आ रहे हो, अगर आपका कोई लेगेसी नहीं है, आपकी फैमिली में ही सारे आर्टिस्ट होते हैं, इंडस्ट्री में लोग होते हैं, तो बहुत ईजी होता है नेटवर्क बिल्ड करना. बट अगर आप एक आउटसाइडर हो, आप हार्वर्ड से पढ़ के आ रहे हो और आपके इंडस्ट्री में ऑलरेडी कोई लेगेसी नहीं है आपके फादर की या ग्रैंडफादर की, तो आपको वो जो लेगेसी है वो खुद की बिल्ड करनी पड़ेगी. कैसे बिल्ड होती है? वो नेटवर्क करके ही बिल्ड होती है एंड दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी एनी आर्टिस्ट कैन हैव टू नेटवर्क विद अदर आर्टिस्ट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग दैट अली सेठी हैज़ नेल्ड. आई थिंक दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए बिकॉज ही जस्ट कोलैबोरेटेड. मतलब फरीदा खानूम जी जैसे आर्टिस्ट के साथ जाके सीखना, ये सबसे बड़ा कोलैबोरेशन था उनका. उसके बाद तो ही वॉज बाउंड टू गेट सक्सेसफुल. आई एम श्योर ही इज गुड विद कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकॉज भले ही आप आर्टिस्ट हैं, आपका काम है सिर्फ गाना, लेकिन यू शुड नो हाउ टू पुट योर वर्ड फॉरवर्ड. ऑल एंड ऑल अली सेठी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एंड एन आर्टिस्ट फॉर मी. आर्ट वाइज ही हैज experimented, he has innovated, he has respected the original art, that is most important. But respect करने के साथ साथ उन्होंने experimentation करने में कोई कमी नहीं छोड़ी and that is very difficult, जो हर कोई नहीं कर पाता. And it's very important in today's age. ये मतलब I can't emphasize enough on this कि कितना important है आज के ज़माने में पुरानी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी करके उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना ही है. बिकॉज नया म्यूज़िक तो पता नहीं कैसा बन रहा है अभी. आई डोंट थिंक गोल्डन टाइम कैन कम बैक एंड द सेम म्यूज़िक कैन बी क्रिएटेड, बट एटलीस्ट हम पुराने म्यूज़िक को ही प्रिजर्व करके रखें, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी. ही लव्स टू इनोवेट, ही लव्स टू हसल, ही हैज़ अ हसल माइंड सेट. और जो कि नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट, आप किसी भी फील्ड में हो, इवन आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, अगर आपका हसल माइंड सेट है ना कि कुछ तो नया हर बार ट्राई करना है, देन यू आर बाउंड टू गो अपवर्ड्स। तो वो हसल माइंडसेट मुझे अली सेठी में दिखता है और आर्ट की फील्ड में ये बाय डिफॉल्ट होता है लोगों के अंदर, बट सिर्फ अपनी नीश में होता है। लाइक अगर कोई म्यूजिशियन है तो डेफिनेटली वो हसल करेगा, रियाज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, बट ओवरऑल एज अ होलिस्टिक पर्सनैलिटी ही आपकी अगर हसल पर्सनैलिटी है तो दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब आप किसी से बात करने में नहीं शर्माओगे, आप किसी से पार्टनरशिप करने में नहीं शर्माओगे। अगर वो चीज आपने सीख ली, आई थिंक ही शुड ट्रेन अपकमिंग आर्टिस्ट इन हाउ टू डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड जस्ट बी आउट देयर। एंड मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें इट वॉज नॉट एन इंटरव्यू, इट वॉज लाइक टॉक वेर ही वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग, ही वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट रागास। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने जो नॉलेज है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल सिंगर्स होते हैं आजकल के जमाने में, पुराने जमाने में भी थे, बट हर कोई अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर सकता था। एंड अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, भले ही बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है, जितने भी हैं, अगर आप उसको डिसेमिनेट कर सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ी खूबी है फॉर द ऑडियंस। उनके लिए आप बहुत वैल्यूएबल हो अगर आप ये चीज कर सकते हो। तो ये क्वालिटी भी मैंने उनके अंदर देखी है। आई मीन देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट हिम, बट वन थिंग दैट आई नोटिस दैट मतलब जो कोर क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनके अंदर ये एक कमी की तरह से माना जाता है, इट्स अ बैड हैबिट, कि गाना गाते वक्त ओवर एक्सप्रेशंस देना, बहुत टेढ़े मेढ़े फेस बनाना। सो अली सेठी के अंदर मैंने ये चीज देखी है कि जब वो गाते हैं ना, जब भी कोई डिफिकल्ट सा तान लिया या कुछ अलाप लिया तो वो बहुत ज्यादा फेस बनाते हैं। तो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर, तो ये एक चीज मुझे लगता है कि थोड़ी सी वो चाहें अगर तो इम्प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन। और उनका जो मॉडर्नाइजेशन है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्लासिकल सॉन्ग्स इज समथिंग दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एज अ प्योर क्लासिकल म्यूजिक लवर, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी हैड टू डेवलप द टेस्ट फॉर दिस मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जो यूथ है वो पुराने गानों को समझेगा। तो आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट इट, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो आई होप ये वीडियो आप तक पहुंचेगा अली सेठी जी, और लेट मी नो इन कमेंट्स इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई मिस, एंड या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबके यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबके यारी मेरा दिल जलाओ ना।